दोस्तों ये रेडीमेड या पुराना कुर्ता, इसका दोस्तों पॉकेट चेंज करना है। इसका पॉकेट दोस्तों डिस्टर्ब हो चुका है। नया हो या पुराना हो, जो भी आपका कुर्ता है दोस्तों, यदि पॉकेट डिस्टर्ब रहता है या पॉकेट का कपड़ा आपका पतला के चलते फट जाता है, तो आप इस पूरा पॉकेट को यदि चेंज करना है तो कैसे कीजिएगा, इस वीडियो में आप लोग को देखने को सीखने को मिलेगा मशीन में। तो उससे पहले आपको दोस्तों ये पॉकेट है ना, ये पूरा पूरा पुराना पॉकेट, इसको खोल लेना पड़ेगा। ठीक है, इसको खोलेंगे तभी जाकर के हम इसको चेंज कर पाएंगे। आइए सीधा पेपर में दिखाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन पंडित, आप लोग को मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों चैनल में नए हैं और मेरा कॉन्टेंट पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप घर बैठे ही मेरे चैनल में आप लोग सिलाई संबंधित सिलाई के बारे में नॉलेज मिलेगा। और जो भी मेरे काम यहाँ पर हो रहा है दोस्तों, सबको मैं वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको बहुत कुछ नॉलेज मिल सकता है दोस्तों। चलिए आइए इसको पहले हम खोलते हैं दोस्तों। खोलने के बाद इसका क्या प्रोसेस है, कितना लंबा चौड़ा चाहिए, सब इस वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा, और किस तरह से मैं पॉकेट को लगा रहा हूँ। आप नया भी कुर्ता बनाते हैं तो फिर भी पॉकेट का नॉलेज रखना चाहिए, किस तरह से आप पॉकेट, ये एगो पार्ट्स है, इसको किस तरह से आप ये पॉकेट को आप बना पाइएगा, बैठा पाइएगा, इसका क्या नाप जो फार्मूला है टोटल A to Z। आइए सीधा मैं दिखाता हूँ पॉकेट का पैटर्न, मैं इस पेपर में काट रहा हूं दोस्तों। देखिए इसका लंबाई पहले आपको कितना लेना है, लंबाई लेना है दोस्तों, ये साइड पॉकेट है, इसका लंबाई लेना है 17 इंची। ओके, 17 इंची पे मैं यहां पे दाग दे दिया। ठीक है, और इधर चौड़ाई लेना है आपको 7 इंच लेना है। ओके, इस तरह से आप ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लेने नापी देने के बाद मैं उस दागे पर काट देता हूँ दोस्तों। जेब का आपका बन गया, और इसका भी मिडिल जो है वो मिडिल भी आपको इस तरह से बना लेना है। ओके, इसको इस तरह से मिडिल आप बना लीजिएगा ताकि क्या होगा, आपका पॉकेट सीधा रहेगा कुर्ता के साथ जो आप बैठाइए दोस्तों। इसको इस तरह से मोड़ लीजिए, मोड़ने के बाद यहाँ से आपको 2.5 इंच, ठीक है, 2.5 इंच या 3 इंच यहाँ पर आप इसको इस तरह से काट दीजिए। ओके, इस तरह से मैं काट देता हूँ। ओके, हो गया। अभी इसको भी मोड़ना है, ये इसको इस तरह से मोड़, सिलाई इस तरह से मोड़ लीजिएगा। ओके, ये भी मोड़ा जाएगा। ठीक है, और इसको पहले सिलाई करना पड़ेगा। चलिए अभी सीधा कपड़ा में दिखाते हैं तब समझ में आपको अच्छा आएगा। ठीक है, ओके, तो ये पहले क्या किया दोस्तों, इस तरह से मोड़ लिए। ओके, मोड़ लिए, और इसको भी इस तरह से मिडिल नहीं है, यहाँ पर मिडिल कर लेना पड़ेगा। ये मिडिल मैंने कर लिए। ओके, मिडिल करने के बाद इस तरह से मैंने इसको पहले मोड़ दिया है। ओके, अच्छा लाइन यहाँ से सीधा आएगा, इस तरह से मैंने इसको सीधा सिलाई कर दिए। इसी तरह से इधर भी सिलाई करना पड़ेगा। अब ये सिलाई करने के बाद इसको आप सीधा कर लीजिए, इस तरह से सीधा निकालिए दोनों तरफ, देखने में अच्छा लगेगा। और इसके बाद देखिए यहाँ इतना मोड़ा हुआ है, इसको इस तरह से नाखून से दाग दे दीजिए। अब इसको ये चारों तरफ इस तरह से घुमा दीजिए। ठीक है, और ये वो इस तरह से आप फॉल्स सिलाई भी दे सकते हैं ताकि ये कपड़ा बैठ। अब मैं कुर्ता के साथ डायरेक्ट, हम देखिए इसको पॉकेट में बैठाता हूँ, किस तरह से मैं बैठा रहा हूँ दोस्तों। देखिए इस तरह से आप पॉकेट चेंज कीजिएगा। देखिए ये उल्टा है, उल्टा तरफ, ये इधर सीधा तरफ। ओके, अब देखिए यहाँ पर जॉइंट है, ये जॉइंट का बीच में, ठीक, ये बीच है, ये बीच दोस्तों, ये मिडिल है, और ये पॉकेट का भी मिडिल जो कि 6 इंच होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से 6 इंच होगा, और यहाँ से मैंने 1.5 इंच लिए। ठीक है, इस तरह से यह इसका फॉर्मूला रहता है। और अब इसको मैं इसे कोना, और ये जो पॉइंट मिल गया, ये जॉइंट मिल गया, इस तरह से आप सिलाई चला दीजिए। देखिए ये सिलाई करने के बाद यहाँ तक कोना, इसका सुई को हम अंदर कर दिए, करने के बाद देखिए इसको हम ये चाप उठा दिए ऊपर, इस तरह से उठा दिए। उठाने के बाद देखिए इसको अब इसको इधर घुमा देना पड़ेगा। ठीक है, ये पॉकेट थोड़ा झंझट है, देखिए किस तरह से मैं कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा। इसको इस तरह आप कर दीजिए, जैसे कीजिएगा दोस्तों ये पूरा फ्रेश हो जाएगा आपको सिलाई करने के लिए। आपको पूरा कपड़ा पॉकेटिंग देखिए, ये आप आराम से इसको बैठा दीजिए, ये कोना, और ये सिलाई जो है आपका मिडिल, ठीक है, इस तरह से मिला लीजिए। ओके, और ये पॉकेट का मुँह भी सामने रहेगा, ऐसा नहीं है इस तरह खुला रहेगा तो आपका ख़राब हो जाएगा। इसको इस तरह से सामान बैठाइएगा, जितना फिनिशिंग कीजिएगा उतना भी देखने में अच्छा लगेगा। इस तरह से आप सिलाई सीधा आप घुमा दीजिए। ओके, इस तरह से, इस प्रोसेस से ही आप, यही तरीका से आप दोनों तरह का पॉकेट, आप यदि आपका फट गया है तो आप चेंज कर सकते हैं। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है कि
किस तरह से मैं कुर्ता का पॉकेट चेंज कर रहा हूँ, या कुर्ता का पॉकेट आप नया भी बनाते हैं तो फिर भी आपका ये बहुत ही हेल्प मिलेगा, क्योंकि नया हो या पुराना पॉकेट चेंज करने, पॉकेट बनाने का फंक्शन, पॉकेट इस तरह को किस तरह से बनाया जाता है कुर्ता का, ये फंक्शन, ये कंडीशन इस वीडियो में आप लोग को देखने को मिला। और इस तरह से मेरा ये पॉकेट दोस्तों मैंने बनकर रेडी हो गया। और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, नया है चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मेरे चैनल में आप लोगों को वीडियो मिलते रहेगा। और आपका समय मिला तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डाल चुके हैं, वहाँ पर भी जाइए देखिए, बहुत सारा वीडियो आप देखिए और सीखिए। दूसरा वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।